नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मूनलाइट क्लासेस में। आज अपन बात करेंगे 7 फेब 2021 का जो पेपर है PNST का, उसकी फर्स्ट शिफ्ट के बारे में। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में इंग्लिश सब्जेक्ट देखते हैं। चलिए, तो ये है जनरल इंग्लिश और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, चूज द ऑप्शन दैट शो द करेक्ट चेंज इन वॉइस। करेक्ट चेंज इन वॉइस, वॉइस क्वेश्चन दिया है। रमेश हैड अनस्क्रिव्ड 20 डोर हैंडल्स वाइल रिपेयरिंग हीज हाउस। हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिया है। पैसिव चेंज करना है, वॉइस है मतलब एक्टिव पैसिव वॉइस। वॉइस में हमेशा उसके आगे वाले में चेंज होता है। पास्ट परफेक्ट दिया है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब बीन प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो चार ऑप्शन में हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म देख लो। सबसे पहले कहाँ दिया है, ये दिया है हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे वर आ गया, ये नहीं होगा। यहाँ पे हैज दे दिया प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आर दे दिया प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये भी नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है तो यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी आपकी सी वाला ऑप्शन, ठीक है। कॉन्शियंस, ये सी वाली स्पेलिंग सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट दिया है आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे भी करेक्ट स्पेलिंग बतानी, ऑक्यूरेंस, ऑक्यूरेंस की स्पेलिंग सेकेंड वाली है। कभी कभी ऐसा होता है चारों स्पेलिंग डिफरेंट आती है और उसमें से करेक्ट है। यहाँ पे तो चारों उसी वर्ड की डिफरेंट दी है तो आपको पता है यहाँ पे एक्यूरेंस में डबल सी डबल आर आता है, तो ये वाली बी वाला ऑप्शन सही है। ऑक्यूरेंस घटना, दुर्घटना है ना, कोई हादसा, ठीक है। नेक्स्ट दिया है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द गिवन सेंटेंस। मॉडल चूज करना है। डज ही डैश go out for a coffee break every hour, he dash not take so many breaks during office hours, he does see, intro है तो यहाँ पे क्या दिया है, need to दिया है, could दिया है, might दिया है। अब देखते हैं वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि does he dash out go out for a coffee break, उसे क्या जाने की ज़रूरत है कॉफ़ी ब्रेक हर ओवर में, एवरी ओवर में उसे एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। ज़रूरत है, नीड टू, आवश्यकता, नीड टू मीन्स आवश्यकता है ऐसा करने की। और ही डैश नॉट टेक सो मैनी ब्रेक्स ड्यूरिंग, वो उसे इतने ब्रेक नहीं लेने चाहिए। सो मैनी शुड चाहिए, शुड नॉट टेक, उसे नहीं लेने चाहिए इतने सारे ब्रेक्स कॉफ़ी ओवर्स के, ठीक है। या फिर आप ट्रिक से देखा जाए तो डज दिया है, डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो देख कुड नहीं आ सकता, माइट नहीं आ सकता, कैन आ सकता था बट यहाँ पे सकने वाला मीनिंग नहीं निकल रहा है उसका, ठीक है। आवश्यकता के लिए है तो यहाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है चूज द करेक्ट साइनोनिम्स फॉर द बिलो वर्ड्स। टर्बुलेंट, टर्बुलेंट मीन्स होता है शांति नहीं है, ऐसे उत्पाद मचाता रहता है कोई, जैसे उपद्रवी बोल सकते हैं या अशांत बोल सकते हैं, ठीक है, अशांत। तो उसका सिनोनिम बताना है। तो काम तो शांत हो जाएगा जबकि इसका मीन्स तो अशांत हो रहा है, ठीक है, तो उल्टा नहीं चाहिए अपने को। पीसफुल भी वही हो जाएगा तो ये भी दोनों गलत हो गए। कोर्टियस ये भी गलत हो जाएगा। टेम्पेस्टस मीन्स होता है तूफानी, तूफानी मतलब बहुत तेज या तेज, तो वही अशांत है, तेज है, तूफानी है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है फिलिंग द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। फ्रेजल वर्ब तो याद होगी तो ही कर पाओगे आप, इसका मीनिंग क्या होता है, कहाँ पे सूटेबल है। सुसान वॉज डैश हरी टू प्रोवाइडेड हिज एक्सेप्ट कमेंट्स ऑन हर वर्क टू हेल्प हर इम्प्रूव। देखते हैं क्या दिया है, कटिंग इन, काउंटिंग इन, काउंटिंग ऑन या कटिंग अप। तो यहाँ आ जाएगा काउंटिंग ऑन, गणना करना, गणना करना। हरी टू प्रोवाइड हिज एक्सपर्ट कमेंट्स, गणना करना। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट टेंस। टेंस चूज करना है करेक्ट
दिया है कैन यू डैश डिफिकल्ट वर्ड्स एक्यूरेटली, आई डू नॉट डैश यू कैन। कैन यू, कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, बेस्ट फॉर्म आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्पेलिंग नहीं आ सकता, इज एम आर प्लस आई एन जी में लगता है, ये भी नहीं आ सकता, सी वाला ऑप्शन भी। दो ऑप्शन बचे हैं आपके पास, स्पेल और स्पेल, ठीक है। फिर दिया है तो कैन यू स्पेल डिफिकल्ट वर्ड्स एक्यूरेटली, डिफिकल्ट वर्ड्स की स्पेलिंग एक्यूरेटली बता सकते हो। आई डू नॉट थिंक यू कैन, उसे नहीं लगता कि कर सकता है। तो या तो आप इधर देख लो कि इधर भी प्रेजेंट आ रहा है, मतलब इधर भी प्रेजेंट आएगा, ठीक है। तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। या फिर एक और मेन बात की डू डिज सॉरी डू डज और डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की होती है, डू हो चाहे डज हो चाहे डिड हो, ऑलवेज इनके बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है वर्ब की, ठीक है। तो यहाँ पे डू आ रहा है तो इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर आप बी वाला ऑप्शन लगाओगे तो यहाँ पे थॉट सेकंड फॉर्म हो जाएगी, जो कि नहीं हो सकता, इसलिए डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ फॉर्म ऑफ द वर्ड फ्रॉम ऑप्शंस बिलो टू कंप्लीट द गिवन। करेक्ट आपको वर्ड चूज करना है जो सेंटेंस को कंप्लीट करें, ठीक है। द फार्मर्स ऑफ थ्री मेजर इंडियन स्टेट्स आर प्रोटेस्टिंग डैश अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स डिसीजंस। यूनिफिकेशन एकता हो जाएगा, एक या यूनियन एकता, यूनाइटेडली मीन्स होता है एकजुट होकर, ठीक है। तो वो एक फार्मर्स क्या है, एकजुट होकर, आर प्रोटेस्टिंग एकजुट होकर अगेंस्ट, उनके खिलाफ गवर्नमेंट्स डिसीजंस के खिलाफ प्रोटेस्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द ऑप्शन दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट फॉर द सेंटेंस रिटन इन एरर बिलो। ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है, ये जो सेंटेंस दिया है इसका सही क्या होगा, ये रॉन्ग है तो इसका राइट आंसर क्या होगा चार ऑप्शन में से। तो देखते हैं, नॉट ओनली दिया है, उसके बाद में कोमा भी दिया है, बट भी दिया है, ठीक है, बट आल्सो होता है वैसे। तो चार ऑप्शन में देख लो, नॉट ओनली के बाद सिर्फ बट इज आल्सो वैसा का वैसे दे दिया, आई थिंक सिर्फ नॉट ओनली यहाँ, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट दिया है नॉट ओनली बट आल्सो, ये करेक्ट हो जाएगा, नॉट ओनली के बाद बट ये भी नहीं होगा। सो सिंपल आंसर है, कुछ नहीं होता है। देखो नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो यूज़ किया जाता है, नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो यूज़ होता है, नाइदर के साथ नोर यूज़ होता है और ईदर के साथ में और यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना ही वो बल्कि वो भी, नाइदर नोर, ना ही ये और ना ही ये, आइदर और ये नहीं और ये, या तो ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट दिया है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सूटेबल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन चूज करनी है आपको, ओके। अ हंग्री डॉग स्टोल्ड डैश द कॉलेज कैंपस ट्राइंग डैश फाइंड समथिंग डैश इट। जो एक भूखा डॉग था, हंग्री डॉग स्ट्रोल्ड, स्ट्रोल मीन्स होता है ऐसे घुमक्कड़, घूमने वाला, इधर उधर घूमने वाला डॉग, तो घूमने वाला है, ठीक है। तो वो कहाँ पहुँच गया, कॉलेज में, इन द कॉलेज या इन टू द कॉलेज या ऑन द कॉलेज ऑप्शन दिए हैं आपके। तो देखते हैं इनटू आ सकता है फर्स्ट वाले में, ठीक है, दोनों, बाकी इन नहीं आ सकता और ऑन भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इनटू मूवमेंट कंडीशन में यूज़ किया जाता है कि कॉलेज कैंपस के अंदर चला गया, मतलब मूवमेंट हो रहा है। इन मतलब स्थिर है, इन द क्लास कहाँ है, इन द क्लास है, इन द रूम है, इन द स्कूल है, बस है के लिए इन यूज़ किया जाता है। जैसे मैं लिख दूँ कि द बॉय जम्प्ड इंटू द वेल, द बॉय जम्प्ड इंटू द वेल। तो यहाँ पे जम्प्ड मूवमेंट कंडीशन की बात हो रही है, अंदर की ओर कूदने की बात हो रही है, वेल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। तो यहाँ पे भी स्ट्रोल्ड मीन्स होता है घुमक्कड़, मतलब घूमने फिरने वाला, मूवमेंट कंडीशन की बात हो रही है, है ना, गतिशील अवस्था, तो इनटू आएगा, इन नहीं आ सकता, इसलिए आपका फोर्थ वाला इन भी नहीं आएगा, ऑन तो वैसे भी नहीं आ सकता, तो इनटू इनटू आ सकता है। फिर देखते हैं, ट्राइंग टू बोलते हो आप, ट्राइंग टू
फाइंड या ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई के साथ में टू प्रीपोजिशन यूज़ की जाती है, फिर आ जाएगा टू इट। ठीक है, यहाँ तक तो आपका वैसे भी एक ही में टू दिया है, तो नेक्स्ट वाले में भी यही आएगा, तो इनटू टू और टू। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया है चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है। ठीक है, जिल सैड आई एम गोइंग टू बैक अ केक। एम प्लस आई एन जी नरेशन में सारे ही प्रेजेंट, मतलब एक्टिव अगर दिया है, सॉरी आपको डायरेक्ट नरेशन अगर दिया है तो इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए सारे ही मोर सिमिलर पास्ट में चेंज होते हैं। इजेमार प्लस आई एन जी मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। सभी ऑप्शंस में से वॉज वर्ब ढूंढ लो, कहाँ है वॉज वर्ब प्लस आई एन जी, तो यहाँ पे इज दिया है, यहाँ पे वॉज दिया है तो ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे विल दे दिया है, ये भी गलत है, यहाँ पे इज गोइंग है ये भी गलत है। सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन आपका सही आ रहा है, एम गोइंग है, इज एम आर प्लस वर्ब में आई एन जी, डायरेक्ट तो इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आ जाएगा वॉज वर्ब प्लस आई एन जी, मोर सिमिलर पास्ट, उसी के सिमिलर पास्ट में चेंज होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब के बीच में आपको एग्रीमेंट करना है, तालमेल बिठाना है, इक्वल करना है। अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम दैट स्कूल डैश द नेबरहुड टूडे। तो यहाँ पे ऑफ से पहले अगर आप देखोगे तो अ ग्रुप आ रहा है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, लेकिन अगर दैट आ रहा है तो दैट से पहले चिल्ड्रन प्लूरल है तो प्लूरल आएगी। बट यहाँ पे इसने आर क्लीन दे दिया जो नहीं आ सकता है, परफेक्ट पैसिव नहीं है सेंटेंस, आ हैव क्लीनिंग होता नहीं है, हेल्प क्लीन नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ आंसर आएगा ऑफ से पहले देखना है। सो सिंपल, किसी भी प्रीपोजिशन से पहले सब्जेक्ट अ ग्रुप आ रहा है, अ ग्रुप मतलब सिंगुलर है, एक ए से पता चल रहा है इज क्लीनिंग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन शोविंग द प्रॉपर प्रीफिक्स टू द वर्ड बिलो। प्रीफिक्स बताना है, आगे क्या लगेगा, प्लग अनप्लग। सो सिंपल, प्लग का हो जाएगा अनप्लग, मिस प्लग नॉन प्लग डिसप्लग नहीं होगा। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ कॉम्प्रेशन। ठीक है, इन द गिवन सेंटेंस अमोंग द ब्रदर्स अरुण इज डैश उदय एंड विवेक इन द रेड्डी फैमिली। एल्डेस्ट टू, एल्डर, एल्डेस्ट देन और एल्डर टू। तो देखो सबसे पहले एल्डर के साथ देन यूज नहीं होता है, या एल्डेस्ट के साथ भी देन यूज नहीं होता है, टू यूज होता है, देन की बजाय टू लगता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। और सिर्फ अगर आप एल्डर लगाओगे तो ऑप्शन में या तो यहाँ टू चाहिए या देन, जो भी लगा, देन उसने दिया नहीं है तो टू लगता है, तो टू यहाँ है नहीं, मतलब सिर्फ एल्डर टू नहीं हो, सिर्फ एल्डर नहीं आ सकता। और एल्डेस्ट के साथ सुपरलेटिव के साथ देन तो वैसे ही गलत है, एल्डर के साथ टू यूज़ किया जाता है, देन नहीं। तो अमोंग द ब्रदर्स अरुण इज, अरुण की तुलना की गई है उदय एंड विवेक से, तो एल्डर टू उदय एंड विवेक, एल्डर के साथ टू यूज होता है। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स इन द गिवन सेंटेंस। आर्टिकल्स बताना है, इज डैश वोटर इन, वोटर इन द बोलते हैं, वोटर इन द कैटल ऑन। ठीक है, फर्स्ट में देखते हैं, फर्स्ट दिया है वोटर, वोटर क्या है, मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन के साथ आप इसको फिक्स ए और एन नहीं लगा सकते, काउंटेबल नहीं है, मीन्स वोटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल को आप काउंट नहीं कर सकते, तो उसको एक कैसे, एक वोटर तो नहीं बोल सकते, ना ही एन और ए दोनों काउंट करने के लिए लगाया जाता है, अ बुक अ पेन काउंटेबल के साथ में, मतलब ये काउंटेबल नहीं है तो इसके साथ में ए या एन यूज़ नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट बचा है, फर्स्ट में यहाँ चलो आप द लगा दोगे तो सेकंड वाले में एन नहीं आ सकता है, आपका ए आ सकता है, तो जो कि गलत है। तो इस ऑप्शन आपके पास लास्ट बचा है डी वाला, द द और द गैस, द गैस स्टोव बॉइल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट दिया है
फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द गिवन सेंटेंस. मॉडल्स बतानी है आपको क्या आएगा. आई डैश ड्राइव दिस कार इजीली. हाउएवर वन डैश बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग ऑन अ बिजी रोड. आई डैश ड्राइव दिस कार इजीली. आई कैन ड्राइव दिस कार इजीली. वो इजीली कार चला सकती हैं. ठीक है, सकता है, सकती है, जो भी है. हाउएवर, लेकिन फिर भी, हालांकि, वन बी केयरफुल, तो उसे क्या करना चाहिए, ड्राइविंग बिजी रोड जो है वहाँ पे, फिर चला तो सकती है, आसानी से चला तो सकती है, बिल्कुल चलाना आती है, लेकिन फिर भी केयरफुल रहना चाहिए आपको. कहाँ, बिजी रोड पे ध्यान से चलाना चाहिए. तो चाहिए, केयरफुल चलाना चाहिए, ड्राइविंग करना चाहिए, मतलब मस्ट. विल नहीं होगा, शैल नहीं होगा, और शैल नहीं होगा तो कैन और मस्ट आ जाएगा. चाहिए के लिए मस्ट, और 100% जहाँ अनिवार्यता काम होता है, मतलब मस्ट. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो. सेंटेंस का टाइप बताना, ये तो बहुत ही ईजी है कि कैसा सेंटेंस है आपका. एक्सक्लामेटरी है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या अफर्मेटिव है. तो हाउ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब हाउ, ये सारे क्वेश्चन को शो करते हैं. क्वेश्चन करते हैं हाउ, कैसे, वॉट, क्या, वाई, विच, ये सारे क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं. इनके बाद क्वेश्चन मार्क आता है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है. देख लेते हैं, ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, डेविड क्वेश्चन मार्क, तो ये आंसर हो जाएगा इंट्रोगेटिव. ओके, नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिटरमाइनर इन द गिवन सेंटेंस. डिटरमाइनर बताना है करेक्ट. कैन यू चेक इफ देयर इज पेट्रोल. तुम पेट्रोल चेक कर लेना इन द कार. कार में वी हैड यूज्ड, उसने यूज़ करा था, डैश इट यस्टरडे ट्रैवलिंग. कल जो ट्रैवलिंग थी उसमें उसने यूज़ करा था, तो बहुत सारा यूज़ करा था, जो भी वो देखते हैं. ऑल और मच, ऑल नहीं होगा, काउंटेबल के साथ. ठीक है, एनी मेनी भी नहीं होगा, अगर आप एनी लगा दोगे. ठीक है, एनी पेट्रोल, लेकिन यहाँ पे इंट्रोगेटिव में एनी यूज़ होता है, इंट्रोगेटिव नहीं, सॉरी, इंट्रोगेटिव है और वो देख के आप एनी लगा दोगे, तो यहाँ पे पेट्रोल की बात हो रही है, वहाँ मच यूज़ होता है, मेनी नहीं होता है. मेनी काउंटेबल के साथ यूज़ होता है और पेट्रोल अनकाउंटेबल है, इसलिए एनी और मेनी भी नहीं आएगा. सो मेनी वही बात है, मेनी यूज़ नहीं होगा, सम, सॉरी, सम और मेनी. तो यहाँ हो जाएगा इनफ. चेक कर लेना कि पर्याप्त पेट्रोल है कि नहीं है कार में. कल मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेवलिंग करी थी, तो ख़त्म तो नहीं हो गया, पर्याप्त है या नहीं. ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज. ठीक है, पैसेज नहीं पढ़ते हुए पहले क्वेश्चन पे आते हैं, फिर अपन पैसेज पे जाएंगे. क्वेश्चन दिया है, हाउ वर द रेसिडेंट्स स्टीलिंग इलेक्ट्रिसिटी. जो रेसिडेंट्स है, जो रहने वाले हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे चुराते थे, ऐसा पूछ रहा है. ठीक है, देखते हैं पैसेज में क्या दिया है, कैसे चुराते थे. वैसे चारों ऑप्शन देखने के बाद आप पैसेज पे आते हो तो इजी हो जाता है कि पैसेज में क्या क्या दिया था और यहाँ पे क्या दिया है. द इंटायर रूम वॉज फिल्ड विथ फ्लेम्स, द एक्सटिंग्विशिंग फायर विथ डोर्स reduced to ashy and black carbon marks on the walls were clearly visible to a fighter who had arrived a few minutes ago. The firemen's hand transformer near the electric pole got short circuit, soon entered hot flames, spreading for the nearest building to spawn. Also assumed that a few residents had been stealing. कुछ residents had been stealing electricity using unauthorized methods of hanging loops across wires, electric pole wires, using heavy load and tripping. ये यहाँ लिखा है कि वो कैसे चुराते थे. Stealing electricity using unauthorized method of hanging loops across. तो ऑप्शन देखते हैं, कुछ मिलता जुलता. ठीक है, फर्स्ट दिया है हैंग लूप वायर फ्रॉम देयर होम्स टू इलेक्ट्रिक पोल. दे हैड ट्रांसपेरेंट द फ्रिज नहीं है. दे वर पेइंग मनी भी नहीं दिया है. दे हैड क्लोज्ड यूजिंग देयर लाइट फैन
लाइट और फैन और लैंप की तो बात ही नहीं करी गई है, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया है गिव द एंटोनिम ऑफ इम्पोजिशन वर्ड मेंशनड इन द पैसेज। तो पैसेज पे जाने की जरूरत नहीं, आपको पता है इम्पोजिशन मीन्स क्या होता है। किसी पे थोपना जबरदस्ती, मतलब किसी पे आप क्या कर रहे हो, आरोप लगा रहे हो, आरोपण कर रहे हो कि तुमने ये करा ये करा। तो डिमांड नहीं कर रहे हो, फोस्टिंग नहीं होता है, विड्रॉल नहीं होता है, इनफ्लक्चिंग हो जाएगा, दंड देना। तो ये एंटोनिम पूछा है तो इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। याद है तो वहां जाने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट दिया है द क्योज ऑफ फायर इन द बिल्डिंग एंड रूम्स वॉस। क्या कारण है कि बिल्डिंग और रूम्स में आग लग गई थी, फायर। तो ऑप्शन देख लेते हैं फिर पैसेज पे जाते हैं। एंटी थेफ्ट कंपेजन रन बाय इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, शॉर्ट सर्किट कॉज्ड बाय हैवी लोड इलेक्ट्रिसिटी रनिंग इन पोल्स एंड ट्रांसफॉर्म्स इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट बाय लोकल। वैसे भी आपने पहले पढ़ा लोकल रेसिडेंस इलेक्ट्रिसिटी रनिंग इन द पोल्स एंड ट्रांसफॉर्म्स इलेक्ट्रिक थेफ्ट बाय लोकल रेसिडेंट्स। वैसे भी आपने पहले पैसेज थोड़ा बहुत पढ़ा है तो ध्यान में रहेगा कि क्या क्या वहाँ पे आया था, क्या वर्ड्स आया था या किसके बारे में बात हो रही है। तो अपन देखते हैं क्या दिया है। ठीक है, क्यों शॉर्ट सर्किट फायर हुई थी। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं कहाँ कुछ दिया। द फायर दैट वॉज ए स्मॉल एंड विच हैड बिगन एज द ट्रांसफॉर्म नियर द इलेक्ट्रिक पोल गॉट शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट द फायर दैट वॉज इनिशियली क्वाइट स्मॉल एंड विच हैड बिगन एज द ट्रांसफॉर्म नियर द इलेक्ट्रिसिटी पोल गॉट शॉर्ट सर्किट की सून टर्न इन टू हग फ्रेम स्पेरिंग फॉर द नियरेस्ट बिल्डिंग टू द रूम्स। शॉर्ट पोल गॉट शॉर्ट सर्किट्स सून टर्न इन टू हग फ्लेम्स स्प्रेडिंग, बढ़ गई आग। तो यहाँ हो जाएगा शॉर्ट सर्किट्स वाला ऑप्शन। देखते हैं, ये हो गया शॉर्ट सर्किट्स क्यूज बाय हैवी लोड। ज़्यादा लोड होना के कारण शॉर्ट सर्किट हो गया। गिव अ सिनोनिम फॉर मैलप्रैक्टिस मेल प्रैक्टिसेस मेंशनड इन द पैसेज। मेल प्रैक्टिसेस मीन्स होता है क्या बोलते हैं उसके ऊपर क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है या अत्याचार हो रहा है या कदाचार अनाचार, मतलब जो अच्छा नहीं है, गलत हो रहा है किसी के साथ। ठीक है, भ्रष्टाचार हो रहा है या अनाचार गलत हो रहा है। ओवरलोड नहीं है, रोंग डूइंग। रोंग मतलब गलत होना, गलत हो रहा है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा रोंग डूइंग। इम्पोजिशन नहीं और फ्रेगमेंट नहीं, इसको पूछा था सिनोनिम पूछा था, उसके रिलेटेड हो जाएगा रोंग डूइंग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया है एज पर द पैसेज द कलर ऑफ कार्बन मार्क्स ऑन द वॉल्स वॉज। कलर ऑफ कार्बन मार्क्स ऑन द वॉल्स ऑफ, ठीक है, पैसेज में देखते हैं क्या कौन सा कलर दिया है। ब्लैक दिया है, व्हाइट दिया है, ब्लू दिया है। ठीक है, तो यहाँ दिया है द इंटर रूम वॉज फील्ड विद फम्स एंड स्मोक द पार्टिसिपेंट्स विद टॉर्च रिड्यूस ब्लैक रिड्यूस्ड टू एशेस एंड ब्लैक कार्बन मार्क्स एंड ब्लैक कार्बन मार्क्स ऑन द वॉल्स वर क्लियरली विजिबल टू द फायर फाइटर्स हु। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लैक, येलो ब्राउन ग्रीन नहीं है, ब्लैक। नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट चेंज इन वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस। चेंज इन वॉइस, ओके, वही करना है। सबसे पहले वर्ब देखनी है, द फायर राइटर रेस्क्यूड द विलेजर्स ड्यूरिंग द फायर आउटब्रेक। रेस्क्यूड मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट सिंपल है, वॉइस है तो उसके आगे वाले में चेंज होगा। आगे वाला मतलब वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, इसलिए वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। फर्स्ट ऑप्शन दिया है वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म बाय द फायर फाइटर ड्यूरिंग द फायर आउटब्रेक। ठीक है,
यहाँ पे भी वर है लेकिन बींग दिया है प्लस थर्ड फॉर्म। बींग जब लगाते हैं जब वॉजवर प्लस आईएनजी हो, वर्ब में आईएनजी पास्ट कंटिन्यूस हो तब। और यहाँ पे भी है लेकिन ये तो एक्टिव का बन गया वॉज प्लस आईएनजी, जबकि पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। और नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द विलेजेस हेड नहीं आ सकता, वॉजवर चाहिए, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट टेंस इन द गिवन सेंटेंस। अप्रोप्रिएट टेंस बताना है, प्लीज़ गिव मी, प्लीज़ के बाद में ऑप्टेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल्ड नहीं आ सकता, कॉलिंग नहीं आ सकता, ए और बी ऑप्शन है। आगे देखते हैं, मी व्हेन यू, यू के बाद इज एम आर वॉज वर्ब, कुछ हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है तो गेटिंग भी नहीं आ सकता। यू गेट माई पैसेज, प्लीज़ कॉल मी व्हेन यू गेट माई पैसेज, वी नीड टू कन्फर्म द टाइम फॉर आवर मीटिंग। तो यहाँ फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटरमाइनर, करेक्ट डिटरमाइनर बताना है, ठीक है। डैश क्लास 10 स्टूडेंट्स, तो 10 स्टूडेंट मतलब काउंटेबल नाउन ए मस्ट प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट ऑन एनी टॉपिक फ्रॉम हिज फिजिक्स कोर्स, मच नहीं आ सकता, ठीक है। और सम ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन आता है कुछ, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट दिया है इच या एवरी, इच और एवरी मीन्स दोनों का मतलब प्रत्येक होता है। इच दो या दो से अधिक के लिए यूज़ करते हैं, इच मतलब दो से ज़्यादा, तो यहाँ ज़्यादा है 10 स्टूडेंट, तो एवरी क्लास 10 स्टूडेंट मस्ट प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट, यहाँ आंसर हो जाएगा एवरी, प्रत्येक की बात हो रही है। नेक्स्ट दिया है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल इन द गिवन सेंटेंस। आर्टिकल बताना एस डैश नेटवर्क वॉज नॉट वर्किंग, डैश इंटरनेट वॉज डाउन एंड ऑल डैश स्टूडेंट्स वर अनेबल टू कंप्लीट देयर वर्क। एज अ नेटवर्क वॉज नॉट वर्किंग, तो एक नेटवर्क की बात नहीं करेगी, फिक्स बताया है कि कौन सा नेटवर्क। वैसे भी अगर लगाओगे तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आ सकता है, और सेकेंड वाले में एन आ रहा है तो ये नहीं आ सकता, और सी वाला भी नहीं आएगा, वो दो ऑप्शन बचे। आगे देखते हैं, इंटरनेट वॉज डाउन एंड ऑल द स्टूडेंट होता है, ऑल द स्टूडेंट्स वर अनेबल टू कंप्लीट देयर वर्क, तो फिक्स बताया कि इंटरनेट डाउन है, तो यहाँ आ जाएगा डी वाला ऑप्शन। एज द नेटवर्क एंड द इंटरनेट एंड द स्टूडेंट्स वर अनेबल टू कंप्लीट देयर वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द बिलो वर्ड, उल्टा बताना है अपोजिट किसका, लिस्टलेस। लिस्टलेस देखो आपको कुछ अगर तुक्का भी लगा रहे हो नहीं भी पता है तो थोड़ा सोच समझ के कि लेस मीन्स होता है कम या नहीं ऐसा कुछ इस टाइप से, तो उसी टाइप से आपको ऑप्शन देखना है। लिस्टलेस मीन्स होता है नहीं होना, मतलब उदासीन, ठीक है। तो फ्रेल इंडिफरेंट तो नहीं होगा, इंडिफरेंट। और इन उल्टा पूछा है तो एनर्जेटिक, ये तो हो गया उदासीन, मतलब कुछ नहीं है, या आलसी, ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा एनर्जेटिक, एनर्जेटिक एनर्जी वाला। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। क्वेश्चन दिया है, सीन एंड आई विल ट्रेवल टू गोवा नेक्स्ट वीक, केल्विन सेड। विल प्लस फर्स्ट फॉर्म दिया है तो या तो वो चेंज होगा या विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा कि, तो यहाँ दिया है इफ दे दिया कनेक्टर जो नहीं हो सकता, आस्क्ड दे दिया, केल्विन आस्क्ड सीन इफ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ना ही क्वेश्चन मार्क है और ना ही हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब आस्क्ड नहीं बनेगा, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनता है। केल्विन सेड दैट ही हैड सॉरी ही एंड सीन विल ट्रेवल टू गोवा द कमिंग वीक, ये भी हो सकता है, नेक्स्ट वीक का बन रहा है कमिंग वीक, ठीक है। केल्विन सेड टू सीन इफ दे वुड, वुड तो ठीक है, वुड भी आ सकता, वुड प्लस, लेकिन नेक्स्ट वीक का कोई चेंज नहीं करा है और
यहाँ पे इफ कनेक्टर दे दिया तो ये भी नहीं होगा, देट लगता है, इफ नहीं आएगा, इफ इंट्रोगेटिव में यूज होता है। केल्विन सेड टू जिन दैट दे विल ट्रेवल टू गोवा नेक्स्ट, ये दिया है, और सेड टू दे दिया यहाँ पे, यहाँ पे भी सेड टू दे दिया। सेड टू का सेड टू नहीं बनता है, जबकि यहाँ ऑब्जेक्ट तो टू दिया ही नहीं है। सेड टू कभी भी अपन इनडायरेक्ट में नहीं लिखते हैं, या तो टोल्ड लिखते हैं, सेड टू होता है तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन शोविंग द प्रॉपर सफिक्स, पूछा है पीछे सफिक्स क्या लगेगा। पनिश तो आपको पता है, पनिशमेंट होता है, पनिशी पनिशर्ट पनिशमेंट सबको मिली है स्कूल में पनिशमेंट, तो यहाँ आंसर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।